नंगों की बारात में ये वर्दी वाला दूल्हा नहीं जाएगा वागले, इसके भी कपड़े उतार डालो। व्हाट्सअप गाइस, आप लोग को इसी तरह एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आप लोग के फ़ोन पर कान मास्टर होना जरूरी है। अगर आप लोग के पास में कान मास्टर नहीं तो डिस्क्रिप्शन पे लेंगे, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड करके कान मास्टर को ओपन कर लीजिए। कान मास्टर ओपन होने के बाद आप लोग क्रिएट न्यू पे क्लिक करिए और 16:9 सेलेक्ट कर लीजिए और इमेज पे आके आप लोग को ब्लैक बैकग्राउंड ले लेनी है। ठीक है, बैकग्राउंड का लेंस आप लोग को इस प्रकार से बढ़ा देनी है। उसके बाद आप लोग ऑडियो पर क्लिक कर लीजिए, जो भी आपका एटीट्यूड डायलॉग है उसको आप लोग सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आप लोग को प्ले करके सुन लेनी है गाइस। उसके बाद लेयर पे क्लिक कर लीजिए, टेक्स्ट पर जाइए, जो भी आपका लिरिक्स है वो आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद फोन पर क्लिक करिए, आप लोग एक अच्छा सा फोन सेलेक्ट कर लीजिए गाइस। फिर से आप लोग लेयर पर क्लिक कर लीजिए और लास्ट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इस पर क्लिक करके आप लोग इस वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करके एक उंगली से आप लोग को इस प्रकार से खींच के लगा लेनी है गाइस। उसके बाद इस पर क्लिक करके आप लोग इसको लर्न करके आगे ब्लेंडिंग पे आके आप लोग यहाँ से मल्टीप्लाई कर देनी है गाइस। जो भी आपने रिलिक्स लिखा है उस पर क्लिक करके इसको लर्न करके आप लोग नीचे आ जाइए और टेक्स्ट पर क्लिक करके आप लोग को यू पर क्लिक कर देनी है। ठीक है, फिर से आप लोग क्लियर पर क्लिक कर लीजिए और जो भी आपका पीएनजी है आप लोग को उसको सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है गाइस, आप लोगों को पीएनजी और रिलिक्स जो भी लिखा है उसको अच्छा से लगा लेनी है। ठीक है, तो मैं अच्छा से लगा लेती हूँ गाइस। साइड पे जो आप लोग को 3 नंबर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देनी है और कैप्चर एंड सेव कर लेनी है गाइस। उसके बाद आप लोग को डायलॉग को फिर से एक बार प्ले करके सुन लेनी है क्या बोल रही है। फिर से आप लोग क्लियर पर क्लिक कर लीजिए और टेक्स्ट पर जाए, जो भी आपका सेकेंड लिरिक्स है उसको आप लोग लिख लीजिए गाइस। तो मैं फिर से एक फोन को सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है, ताकि दिखने में अच्छा लगे। तो मैंने यहाँ पे कुछ गलत टाइप कर दिया है तो इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। उसके बाद इस प्रकार से बड़ा करके मैं साइड पर रख देती हूँ। तो फिर से लेयर पर क्लिक करती हूँ और टेक्स्ट पर जो भी हमारा सेकेंड लिरिक्स है उसको मैं लिख लेती हूँ गाइस। तो इसका भी मैं फोन को चेंज कर देती हूँ। आप लोग कलर पर क्लिक करके कलर को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैंने रेड कलर ले लिया है। तो जो भी हमने रिलीज लिखा था उस पर क्लिक करके इसको लर्न करके आप लोग नीचे आए, टेक्स्ट पर क्लिक करें और ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो फिर से आप लोग लेयर पर क्लिक कर लीजिए और मीडिया पर जाके आप लोग को पीएनजी ले लेनी गाइस। इसको लर्न करके नीचे आए और ब्लेंडिंग से आप लोग को यहाँ पर स्क्रीन कर देनी है। ठीक है,
तो साइड में 3 नंबर वाला ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर लीजिए और कैप्चर एंड सेव कर लीजिए, ठीक है। तो फिर से आप लोग एक बार डायलॉग को सुन लीजिए। उसके बाद आप लोग फिर से लेयर पर क्लिक करिए और टेक्स्ट पर जाए, जो भी आपका लिरिक्स है उसको आप लोग टाइपिंग कर लीजिए। अभी जो हम लिरिक्स लिखा है उस पर क्लिक करती हूँ और इसका भी मैंने फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो फिर से आप लोग को लेयर पर क्लिक करनी है और टेक्स्ट पर जो भी आपका सेकंड डायलॉग है उसको आप लोग लिख लेनी है, ठीक है। आप लोग को कलर को सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फिर से रेड कलर को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद इसको डाउन करके टेक्स्ट पर आइए और आप लोग को यू पर क्लिक कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को जो भी छोटा रिलीज है उसको आप लोग को इस प्रकार से नीचे पे लगा लेनी है, ठीक है। उसके बाद लेयर पर क्लिक करके लास्ट वाला ऑप्शन पर सेलेक्ट कर लीजिए और आप लोग को इस वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करके एक उंगली से आप लोग को इस प्रकार से खींच के लगानी है, ठीक है गाइस। क्लियर पर क्लिक कर लीजिए और आपका जो भी PNG है उसको आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे अच्छा से एडजस्ट कर लेती हूँ, आप लोग को भी इसी तरह से अच्छा से लगा लेनी है, ठीक है ना गाइस। इसको भी गाइस आप लोग कैप्चर एंड सेव कर लीजिए, ठीक है। तो मैंने तो सारा रिलीज लिख के कैप्चर करके रखा हुआ है, तो मैं सारा रिलीज को नहीं दिखाऊंगा आपको लिख के, ठीक है। तो मैं इसको आप लोग को डिलीट कर देनी है, ठीक है, एक एक को। तो आप लोग को इस प्रकार से डिलीट कर देनी है सारे रिलीज को। उसके बाद आप लोग को मीडिया पर क्लिक कर लेनी है, जो भी आपने कैप्चर करके रखा हुआ है उसको आप लोग सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रही हूँ। तो आप लोग फिर से फास्ट पर आ जाइए और ऑडियो पर क्लिक कर लीजिए और जो भी आपका एटीट्यूड डायलॉग है उसको आप लोग सेलेक्ट कर लेनी है। और जो आप लोग को प्लस वाला आइकन दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप लोग को क्लिक कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आए ये 3D वाला एनिमेशन का आप लोग को काइनमास्टर में इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है गाइस। तो मेरा नेट जो फिलहाल ऑफ है तो मैं नेट को ऑन कर लेती हूँ। उसके बाद आप लोग को गेट मोर पर क्लिक कर लेनी है। तो मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है, आप लोग थोड़ी देर वेट कर लीजिए। तो आप लोग को ये 2 नंबर वाला एनिमेशन को काइनमास्टर में इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है गाइस। उसके बाद आप लोग बैक आ जानी है और आप लोग को इस वाले एनिमेशन को लगा के इस तरह से छोटा कर देनी है गाइस, ठीक है। तो फिर से आप लोग सेकेंड वाला प्लस पर क्लिक कर लीजिए और 2 नंबर वाला एनिमेशन को भी आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। आप लोग को इस प्रकार से लगा लेनी है, ठीक है गाइस। तो मैं यहाँ से 2 नंबर वाला को लगा लेती हूँ। तो इसको भी आप लोग को इस प्रकार से छोटा कर देनी है। फिर से आप लोग 3 नंबर वाला प्लस पर क्लिक कर लीजिए
और न्यू पेज जो लिखा हुआ है उसको भी आप लोग को इंस्टॉल कर लेनी है। अगर इंस्टॉल है तो अच्छा है आप लोग के लिए, अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप लोग गेट मोर से जाके काइन मास्टर में इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। सेम प्रोसेस आप लोग को इसी प्रकार से लगा लेनी गाइस, आप लोग आसानी से वीडियो को देख देख के लगा सकते हो। मैं यहाँ से फटाफट से एनिमेशन को लगा लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से वीडियो को थोड़ा सा प्ले कर लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हमारा वीडियो जो हो चुका है, हमारा जो भी म्यूजिक है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो कैंची पे क्लिक करके दो नंबर से काट कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद मीडिया पे क्लिक करके इमेज पैक आप लोग को ब्लैक बैकग्राउंड ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को लेयर पर क्लिक करनी है, टेक्स्ट पर जानी है, जो भी अपना चैनल का नाम है उसको आप लोग टाइप करके लगा लेनी है, ठीक है गाइस। और मैं यहाँ से एक अच्छा सा फोन को सेलेक्ट कर लेती हूँ, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नहीं होते यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुम्हारा भाई हर दिन इसी प्रकार से एडिटिंग वीडियो लेके आती रहती है। अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया तो जाके इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे। आप लोग कोई सा भी आंसर पूछेगा तो मैं आप लोग को वहाँ पर ज़रूर जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगी, ठीक है।